नमस्कार, मैं किसान कमेटा काना धनगर आपके अपने चैनल काना सर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ में मौजूद हैं कवि महेश पाल जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया इनको जानता है। अपनी कविताओं से जनता का एक कहते हैं ना उत्साह भर देते हैं, और आइए आज इनसे मुलाकात करने का मौका मिला है तो आज इनसे बात कर लेते हैं। तो भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं आप कौन सी पावन धरा से आते हैं और आपका परिचय हमारे दर्शक बहुत ही विस्तार से जानना चाहते हैं। परिचय तो हमारा बस इतना सा है कि अपने हाल तो बेहाल हो जाना, एक दिन तू भी महेश पाल हो जाना। और नाम जो है मैंने अपने एक शेर के माध्यम से आपको बताया। धरा की बात तो जो है गंगा जमुनी तहजीब हमारा सहारनपुर, पहले हरिद्वार भी हमारे इसमें आता था। तो गंगा और जमुना पंजाब में एक शब्द होता है इसके लिए दोआब, तो एक दोआब क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का जो जगह होती है, सहारनपुर की जो है पवन धरती, और देवबंद हमारे यहाँ प्रसिद्ध जो है एशिया का पहले नंबर का और विश्व का दूसरे नंबर का इस्लामिक संस्थान है, तो जिसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी काष्ठ कला के लिए भी हमारा जो है शहर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। बाकी हमारे यहाँ के देवबंद के तो शायर बहुत हुए, नवाज देवबंद जी साहब हैं और राजेंद्र राजन जी हमारे कवि हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हमारा जो है शहर है। भैया क्या लगा, कितनी उम्र थी आपकी जब आपने कविता लिखना और ये गाना सीखा? कविता लगभग मैं 2010 या 11 से करता हूँ, वैसे तो बचपन से ही था, मतलब गाने का जो है, हाँ गाने का, नाचने का, हंसने का, बोलने का, मंच पे तो मैंने बचपन से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2011 के बाद से जो है प्रॉपर जो है मंचों पे जाना स्टार्ट कर दिया। अभी एक अलीगढ़ में कभी राजेश बघेल जी की कविता का विमोचन हुआ था, अगर तुम्हारा साथ मिले जी, वहाँ पर भी आपने कविताएँ कही थी और वो कविताएँ भी आपकी काफ़ी वायरल हुई, तो हम जानना चाहते हैं ऐसी एक कविता जो सबसे ज़्यादा देखी गई हो और जो सबसे ज़्यादा आपके जिसने कविता ने आपकी ज़िंदगी को मोड़ दिया हो। कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है, तो ऐसी कविता अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाएं तो बहुत ही। वैसे तो काफ़ी कविताएं हैं लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक कविता है मेरी जज्बा, तो मैं वो सुनाती हूँ। कि एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं। क्या बात है। एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा उसके सामने जमाना भी टिकता नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा उसके सामने जमाना भी टिकता नहीं। सब सोचते हैं कि मेरे पास जज्बा हो मगर, सब सोचते हैं कि मेरे पास जज्बा हो मगर जज्बा 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 बाजारों में बिकता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और इसका एक बंद है ये कि जज्बा 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 जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती। क्या बात है। जज्बा जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती, जज्बा 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 जज्बे के बिना इबादत नहीं होती, जज्बा 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 जज्बे से ही लोग सूरवीर बनते हैं, जज्बा 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 जज्बे के बिना शहादत नहीं होती, जज्बे के बिना शहादत नहीं होती। भैया जी, ये कविताएँ आपने कविता के अंदर जो रस है, आपकी भाषा है और इस भाषा में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना अच्छा श्रृंगार है भाषा का और एक प्रेम बरसता है, तो ये आपकी भाषा आपने ये कहाँ से, मतलब आपकी पैतृक भाषा है या फिर आपने? वैसे तो एक बात है जी कि भाषा मेरी मात की सबसे अच्छी जान, जो जितना पढ़े डूब कर उतना बने महान। तो वैसे तो अपनी मातृभाषा है, हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना तो मैं जो है मूलतः जो है पंजाबी भाषा में जो है लिखना स्टार्ट किया था। जब मेरा लेखन का जो कार्य हुआ था वो पंजाबी भाषा से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे हमारे एक जो है मित्र हैं, उनके दादाजी में रामकथा कहते थे, तो उन्होंने मेरे आशीर्वाद दिया कि भाई आप जो है पंजाबी में बहुत अच्छा लिखते हैं गाते हैं, लेकिन अपनी जो है मातृभाषा से भी जुड़ो और मातृभाषा के लिए भी कार्य करो। तो फिर मैं अपनी मातृभाषा से जुड़ के मातृभाषा। भैया जी, अगर आपको एक दो लाइन अगर और प्रेजेंट वर्तमान समय के ऊपर अगर सुनाना चाहें तो कुछ हो आपके मन में भी चल रही हो? हाँ, वर्तमान समय के ऊपर तो एक मैंने कोरोना के ऊपर लिखा था कि जब कोरोना का दौर था, तो कोरोना का दौर था तब मैं सोच रहा था कि मतलब कि धूप निकलेगी, बादल छटेगा, मौसम जब सुहाना होगा, तेरा मेरे घर, मेरा तेरे घर, या और कहीं जाना होगा, इस घोर विपदा के बाद, इस
इस घोर विपदा के बाद अपनी जब मुलाकातें होंगी, ये सोच रहा हूँ मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूँ। ना होंगे इंच विंच के फासले, ना मीटर वीटर की दूरियाँ, एक दूजे को छूने की भी ना होंगी मजबूरियाँ, जब ऐसे दिनों रातें होंगी, ये सोच रहा हूँ मैं अपनी क्या क्या बातें होंगी, ये सोच रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो साथी हमारे साथ मौजूद थे अपनी कविताओं से सबका दिल जीत लेने वाले महेश पाल जी, जिनकी कविताओं में पंजाबी भाषा की झलक मिलती है, तो वहीं इनकी कविताओं में प्रेम बरसता है। तो आपने इनकी कविताएं सुनी, अगर आपको कविताएं पसंद आई हों तो शेयर अवश्य करें। तो आइए अब हमारे दर्शकों की डिमांड है और एक कविता हम भैया जी की सुनेंगे, बहुत ही प्यारी कविता है, आपको भी आनंद आएगा, आइए सुनते हैं। एक मैं पंजाबी गीत सुनूं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के इंतजार में है और वो इंतजार में है, उसी के शीर्षक है यही, मतलब यही कविता का सार है। तो वो ये कह रही है कि तू की जाने किन्नी बे करार होई बैठी, हाँ क्या बात है, तू की जाने किन्नी बे करार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी, हाँ दस और की मुल दिंदा रांझा वे प्यार दा, दस और की मुल दिंदा रांझा वे प्यार दा, हीर नू विचारे नाले मजियां विचार दा, हीर भी करोड़ा दाई, हीर भी करोड़ा दाई हार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी, हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक बंद ये है इसका कि पल पल खुरी जावे मेरी जिंदगानी वे, यहाँ मैं आपको खुरी शब्द का जो है अर्थ बताऊं, जैसे मतलब ईंटें होती हैं और मैं जैसे पुरानी होती रहती हैं, धीरे धीरे खुरती रहती है उनकी आयु कर, तो इसी प्रकार से मेरी होती जा रही जो है उसकी प्रेमिका या पत्नी करी कि पल पल खुरी जावे मेरी जिंदगानी वे, साहा दिया डोर तेरे हथ मेरे हानी वे, पलका मेरिया दा, हाँ पलका मेरिया दा इंतजार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी, हाँ। और वैसे काफी लंबा गीत है लेकिन इसका जो है अंतिम बंद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। कि छेती मुड़े आवेगा तू, कि छेती मुड़े आवेगा तू, ए मुक्कनी नहीं आस ओए, छेती मुड़े आवेगा तू, ए मुक्कनी नहीं आस ओए, लोकां लई मैं परियां वर्गी पर हाँ जिंदी लास ओए, लोकां लई मैं परियां वर्गी पर हाँ जिंदी लास ओए, रामा तेरिया दा, मतलब तेरे रास्ते दा, रामा तेरिया दा इंत जार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी, हाँ तू की जाने किन्नी बे करार होई बैठी, हाँ सोनिए मैं तेरे लई तैयार होई बैठी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साथियों हमारे साथ मौजूद थे महेश पाल जी, जो कवि हैं, सहारनपुर से आते हैं और पंजाबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, पंजाबी भाषा में कविताएं कहते हैं। अगर आपको कविताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। तो सभी सम्मानित दर्शकों को एक बार पुनः जय जवान जय किसान।